हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे कैसे आप ऑब्स्टॉक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। और दोस्त, आप एक बिगिनर हो, आपको पता नहीं है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स बाय सेल करते हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे वॉच लिस्ट वगैरह ऐड करते हैं, तो इस वीडियो का आप एंड तो देखो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम ऑब्स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। देन यहाँ पे दोस्त आपको माई लिस्ट वाला ऑप्शन देने को मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों पहले से ही कुछ स्टॉक्स ऐड होके आ जाते हैं। आप चाहो तो और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। देन इनको दोस्तों यहाँ से बाई सेल भी कर सकते हो। ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। इसके अलावा भाई यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको और भी काफ़ी सारे इंडेक्स देने को मिल जाएंगे। इन इंडेक्स के अंदर दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हो कि भाई कौन कौन सा इंडेक्स को आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप चाहो तो जाके देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों हम फिर से वॉच लिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्लिक करेंगे। क्लिक करना दोस्तों हमारे पास कितना वॉच लिस्ट है वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर माई फेवरेट इंडेक्स, दो वॉच लिस्ट को मैंने कुछ टाइम पहले क्रिएट किया था। अब चाहो तो यहाँ पर नेक्स्ट वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे दोस्तों आपका नेम एंटर करना है, जो भी नेम से आप क्रिएट करना चाहते हो। देन क्रिएट लिस्ट, क्रिएट लिस्ट करने का दोस्तों देख सकते हैं ये लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टॉक्स ऐड करेंगे। स्टॉक्स ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे दोस्तों आपके सामने सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों अभी आप सर्च करना है वो स्टॉक्स का नेम जिसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो फिलहाल हम टाटा मोटर्स सर्च कर रहे हैं। देन यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने टाटा मोटर्स का दो स्टॉक्स आ चुके हैं। देख सकते हैं भाई, एक है NSE की तरफ से और एक है BSE की तरफ से। NSE BSE के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए, इंडिया के अंदर दोस्तों आपको दो एक्सचेंज रहने को मिलते हैं। एक है भाई NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देन दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों एक्सचेंज के अंदर दोस्तों इंडिया की सारी कंपनी लिस्टेड रहते हैं। आप इनके थ्रू ही स्टॉक को बाई सेल कर सकते हो। फिलहाल मैं ज़्यादातर NSE के थ्रू ही स्टॉक को बाई सेल करता हूँ, इसीलिए दोस्तों मैं ये NSE वाला को यहाँ पर प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देता हूँ। देन नेक्स्ट उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर सर्च करेंगे रिलायंस। रिलायंस के भी दोस्तों यहाँ पर दो स्टॉक आ चुके हैं। इसमें दोस्तों मैं NSE का ही सिलेक्ट करूँगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों उसी तरीके से आप जितनी भी सारी कंपनी को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो सर्च करके ऐड कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर अभी आप देखोगे तो हमारे कुछ 5-6 कंपनी ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर अभी हम बाई सेल करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों इसमें और कुछ सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पर अभी आप क्लिक करके रखोगे तो आपके सामने ये एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब चाहो तो यहाँ से दोस्त आप किसी भी शेयर को इस तरीके से क्लिक करके नीचे से ऊपर ले सकते हो, या फिर किसी भी शेयर का दोस्तों ऊपर से नीचे लाना चाहते हो तो इस तरीके से लेके आ सकते हो। बाकी यहाँ से दोस्तों किसी भी शेयर को डिलीट करना हो तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ये डिलीट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, देन यहाँ से दोस्तों वो स्टॉक डिलीट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको सेव वाला ऑप्शन देने को मिलता है। सेव जैसे ही करोगे तो ये दोस्तों यहाँ पर एडिट होकर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉच लिस्ट की भी बात कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करना दोस्तों आपके सामने ये वॉच लिस्ट आ जाएंगे। तो इनको भी दोस्तों अभी हम एडिट कर सकते हैं। इनको एडिट करने के लिए यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं वही सेम तरीके से यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। अगर यहाँ से आप चाहते हो कि नीचे वाला को ऊपर लेना तो इस तरीके से लेकर आ सकते हो। ऊपर से नीचे भी आप कर सकते हो। और यहाँ से किसी भी वॉच लिस्ट को डिलीट करना चाहते हो तो उसको दोस्तों यहाँ पर आप सिलेक्ट करके ये डिलीट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देन सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वॉच लिस्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वॉच लिस्ट वगैरह स्टॉक्स वगैरह को आप एडिट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे कि भाई यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह ऐड करने के बाद इनमें किस तरीके से आप इंट्राडे या फिर कह लो डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों अभी हमारे पास बहुत ही कम बैलेंस है। सबसे पहले यहाँ पर हम फंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट वाला सेक्शन में जाके आपका प्रोफाइल होगा तो इसको फंड वाला सेक्शन में सेट कर दीजिए। देन यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे ऐड फंड्स वाला ऑप्शन देने को मिलेगा। इसके अंदर जाके दोस्तों आप वो अमाउंट को डाल दीजिए जितना यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। तो हम 1000 ऐड करना चाहते हैं, उसको डाल चुके हैं। नीचे दोस्तों आपको पेमेंट मेथड देने को मिलेगा। आप UPI के थ्रू कर सकते हो या फिर कह लो अदर पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नेट बैंकिंग UPI ID वगैरह डाल सकते हो। फिलहाल हम UPI के थ्रू करने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे पेमेंट दोस्तों हमारा ऐड हो चुका है। अब करते हैं डन। डन करना दोस्तों देख सकते हैं हमारा अकाउंट में बैलेंस हो चुका है 1023 रुपीज़। तो अब दोस्तों फिर से हम माई लिस्ट वाला सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एग्जाम्पल के लिए दोस्तों कोई एक शेयर को बाई करेंगे।
ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर जो भी शहर में बाई कर रहा हूँ वो दोस्तों सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अब अपने हिसाब से दोस्त यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करके इसको बाई कीजिए। तो चलिए ITC का हम एग्जाम्पल के लिए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। इसका जो प्राइस चल रहा है 509 रुपीज़। ऊपर के साइड में आप देखोगे तो आपको कुछ टूल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। इनको दोस्तों यहाँ से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से हाफ स्क्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम भी देखने को मिलता है। टाइम फ्रेम में जाओगे तो वाई डिफॉल्ट पहले से आपका हो सकता है यहाँ पे 1 डे पर सेट रहे। तो 1 डे में दोस्तों इस तरीके से आपको एक दिन का ही एक कैंडल सब देखने को मिल जाएंगे। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर बाय करना चाहते हो तो इस तरीके से दोस्तों आप 1 डे या फिर कह लो 1 वीक वाला टाइम फ्रेम सेट करके स्टॉक को देख सकते हो, देन बाय कर सकते हो। फिलहाल फिर से यहाँ पर जाके मैं वही 5 मिनट को सेट कर देता हूँ। 5 मिनट सेट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको नीचे बाई सेल भी देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब सबसे पहले और कुछ ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे देख सकते हैं ऊपर की साइड में आओगे तो आपको वही सेम NSE/BSE देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर समरी के ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें दोस्तों आपको कुछ मार्केट का डेप्थ देखने को मिलेगा। यानी भाई इस साइड में आपको कितनी क्वांटिटी कौन सी प्राइस में लोग खरीद रहे हैं वो सब देखने को मिल जाता है। देन इस साइड में दोस्तों आपको कितनी क्वांटिटी कौन से प्राइस में लोग सेल कर रहे हैं वो देखने को मिल जाता है। तो ये सबको यहाँ पे आके आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ओपिन, यानी आज ये स्टॉक का प्राइस कौन सी प्राइस में ओपिन हुआ था वो शो करेगा। फिर इसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया था वो शो करेगा। देन लोएस्ट प्राइस कितना गया था वो देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रीवियस डे क्लोज कौन सा प्राइस में हुआ था वो भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों नीचे आओगे तो नीचे आपको और कुछ डिटेल्स जैसे कि सेक्टर, इसका मार्केट कैप वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस कंपनी के बारे में यहाँ पर रीड मार्क पर क्लिक करके भी इनको देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आके ये सारे चीज़ें आपको देखना होता है। फिर यहाँ पर अभी आप राइट साइड में जाओगे तो इसमें आपको फंडामेंटल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इनको दोस्त आप देख के इनका प्रॉफिट वगैरह, नेट प्रॉफिट वगैरह क्या है, तो ये सारे चीज़ें देख के इसको बाय कर सकते हो। न्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाते हैं, इस कंपनी के बारे में न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से दोस्त ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन चेन भी इसमें देखने को मिलते हैं, इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम चार्ट में चलते हैं। चार्ट में आने का दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका बाय सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे दोस्तों बाय वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों वही आपको NSE/BSE देने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके BSE को सेट कर सकते हो, देन फिर से क्लिक करके NSE को सेट कर सकते हो। नीचे आपको क्वांटिटी देने को मिल जाता है। यहाँ पर ये जो शेयर का कितना क्वांटिटी आप लेना चाहते हो वो दोस्तों प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बताने के लिए इसको बाय कर रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी सेट कर देता हूँ। क्वांटिटी सेट करना दोस्तों नीचे आपको लिमिट ऑर्डर देने को मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके अपने हिसाब से दोस्तों आप प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ 500। 500 करने के बाद ये जो मार्केट प्राइस है ये जैसे ही नीचे आकर 500 को टच करेगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये शेयर हमारा बाय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप मार्केट प्राइस को सेट करते हो तो ये जो मार्केट प्राइस 510 चल रहा है उसी में दोस्तों ये शेयर हमारा बाय हो जाएगा। तो नीचे दोस्तों आप देखोगे तो आपको और 2 ऑप्शन देने को मिलेंगे जो कि भाई स्टॉप लॉस के लिए है। तो स्टॉप लॉस के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले भाई इसको बाय कर लेते हैं। तो अभी नीचे दोस्तों आपको और 2 ऑप्शन देने को मिलते हैं, डिलीवरी इंट्राडे। अगर दोस्तों यहाँ से आप इंट्राडे को सेट करते हो तो ये जो शेयर को दोस्तों आप इंट्राडे यानी एक दिन के लिए बाय कर सकते हो। मतलब अभी अगर इसको बाय करते हो तो पूरा दिन चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन भाई मार्केट क्लोज होने से पहले इसको आप सेल भी करना पड़ेगा। अगर भाई आप सेल नहीं करते हो तो ब्रोकर ऑटोमेटिक सेल कर देगा, देन आपको कुछ चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा। बट इंट्राडे में दोस्तों और एक बेनिफिट है जो कि भाई आपको ब्रोकर की तरफ से मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो इसका प्राइस कुछ 510 चल रहा है, बट ये शेयर को दोस्तों आप इंट्राडे के थ्रू बाय करते हो तो इसको दोस्तों आप मात्र 100 रुपये में खरीद सकते हो। मतलब आपका ब्रोकर आपको अप टू 5x का मार्जिन प्रोवाइड करता है। अभी वही 500 रुपये में आप इसका 5 शेयर को बाय कर सकते हो। तो ये दोस्तों इंट्राडे का एक बेनिफिट है। बट डिलीवरी को दोस्तों यहाँ पे सेट करोगे तो डिलीवरी में दोस्तों सबसे पहले तो देख लीजिए मार्जिन आपको वही सेम लगेगा जो कि हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देंगे तो देख सकते हैं 510 मार्केट प्राइस चल रहा था, तो इतना ही यहाँ पर आपको डिलीवरी में देना पड़ेगा। देन साथ में दोस्तों ये डिलीवरी के थ्रू आप लंबे टाइम तक, चाहे वो 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, तो कितने भी दिनों तक आप होल्ड करके रख सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तो ये दोस्तों आपको कुछ बेनिफिट देने को मिलता है इंट्राडे और डिलीवरी में। बाकी फिलहाल हम इसको डिलीवरी के थ्रू एक बाय करने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको रिव्यू बाय ऑर्डर वाला ऑप्शन देने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करना है। क्लिक करना दोस्तों यहाँ पर आपका प्राइस कितना है वो शो करेगा। देन यहाँ पर दोस्तों आपका जो चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, आपका जो गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह कितना है, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर आपको देने को मिल जाएगा। ये सब को देख के दोस्तों यहाँ पर नीचे सबमिट ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करना। तो ये शेयर दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म के लिए बाय हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको इंट्राडे में कैसे बाय किया जाता है वो भी बताऊंगा, बट सबसे पहले अब यहाँ पे हम जाएंगे पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आने के बाद भाई देख सकते हैं ये शेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है वो सब आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप नोटिस करोगे तो आपको कुछ दो सेक्शन देखने को मिलते हैं, एक बाय होल्डिंग और एक है पोजिशन। तो देखिए जो पोजिशन के अंदर दोस्तों आप जितने भी सारे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो वो सारे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों ये जो हमने डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है ये भी आपको पहला दिन यहाँ पर देखने को मिलता है। देन ऑटोमेटिक दोस्तों जैसे ही एक दिन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर हमारा होल्डिंग वाला सेक्शन में चला जाता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पर स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं, कैसे भाई यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने दोस्तों नीचे आपको स्क्वायर ऑफ देखने को मिलेगा, इसके अंदर दोस्तों अभी आपको वही बाई पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भाई देख सकते हैं SL LMT, SL MKT, ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोनों में से भाई SL MKT के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसको दोस्तों आप मार्केट प्राइस में SL लगा सकते हो। वैसे ये भाई यहाँ पे एक काम नहीं करता है तो इसीलिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा SL LMT। तो इसके अंदर दोस्तों अभी आप लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लिमिट प्राइस सेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस डाल देना। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, 490। 490 डालने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिगर प्राइस देने को मिल जाएगा। ट्रिगर प्राइस में आके आप वही सेम अमाउंट डालना है जैसे कि 490। देन यहाँ पे दोस्तों आप कुछ 10 पैसे या 20 पैसे आगे डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं पॉइंट लगा के डाल देता हूँ 20। 20 डालने के बाद भाई क्या होगा कि देखिए जैसे ही दोस्तों ये जो मार्केट का प्राइस 509 से यहाँ पर हमारा 490.20 पैसे को टच करेगा तो ये दोस्तों तैयार हो जाएगा, हमारा एक्सचेंज के पास इसका मैसेज चला जाएगा। देन इससे दोस्तों और 20 पैसे जैसे ही नीचे आएगा यानी 490 को टच करेगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये स्टॉप लॉस हिट होके हमारा शेयर सेल हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये काम करता है, इसीलिए आपको ये लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस रखना होता है। देन नीचे दोस्तों आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देने को मिल जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। बाकी इसको दोस्तों अभी हम रिव्यू सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर भी दोस्तों आपको चार्जेस कितना लगेगा वो शो करेगा। फिर यहाँ पे सबमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट ऑर्डर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल आ चुका है। फिर यहाँ पर आपको ट्रिगर पेंडिंग देखने को मिल जाएगा। पोर्टफोलियो में जाके यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं अभी इसमें वही कुछ प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। बाकी ये तो दोस्तों था डिलीवरी लॉन्ग टर्म के थ्रू, इसका हमने बाय किया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे कैसे आप इंट्राडे के थ्रू बाय कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे माय लिस्ट में। माय लिस्ट में आने के बाद यहाँ से कोई भी एक शेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हम विप्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे दोस्तों वही चार्ट ओपन हो चुका है तो अभी बाय के ऊपर क्लिक कीजिए। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेट करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको इंट्राडे कर देते हैं। इंट्राडे करने का दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे आपको अप टू 5x का मार्जिन देने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों ये 500 रुपये वाला शेयर हमें 100 रुपये में देने को मिलता है तो 100 रुपये में मिल रहा है, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कुछ 4 क्वांटिटी में यहाँ पे कर देता हूँ। 4 क्वांटिटी के ना दोस्तों यहाँ पे 417 रुपये हो जाता है। तो इतना ही दोस्तों यहाँ पर हम बाय करने वाले हैं। देन यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो मार्केट से लिमिट को सेट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप लिमिट प्राइस डाल सकते हो। फिलहाल दोस्तों फिर से मैं मार्केट प्राइस कर देता हूँ, इसको मार्केट प्राइस में ही बाय करूँगा। फिर अब दोस्तों पूरा नीचे आकर रिव्यू बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने इसका कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा वो शो करेगा। देख सकते हैं भाई इंट्राडे में आपको सिर्फ 1.5-2 रुपया ही लगता है। अब यहाँ पे सबमिट ऑर्डर कर दीजिए तो ये दोस्तों आपका इंट्राडे में बाय हो जाएगा। देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है 4 क्वांटिटी। अब फिर से हम पोर्टफोलियो में जाएंगे तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं नीचे आ चुका है विप्रो का शेयर। तो इसके अंदर भी दोस्तों अभी आप बिल्कुल सेम तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी भाई यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर ऑफ के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर दोस्तों SL LMT के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लिमिट प्राइस को डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 510।
देन यहाँ पे दोस्तों ट्रिगर प्राइस में भी आके सेम डालना है 510, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के कुछ 20 पैसे या 10 पैसे आगे कर दीजिए। आगे करने का दोस्तों रिव्यू सेल ऑर्डर, देन यहाँ पे दोस्तों सबमिट ऑर्डर। सबमिट ऑर्डर करने का दे सकते हैं, ये भी दोस्तों यहाँ पे ट्रिगर पेंडिंग आ चुका है। यानी दोस्तों अभी हमारे सामने दो स्टॉपलॉस पेंडिंग है, एक है भाई ये, दूसरा है ये। अब पोर्टफोलियो में जाएंगे तो इसमें दोस्तों हमारे ये कुछ लॉस वगैरह चल रहा है, बट यहाँ पे दोस्तों लॉस की जगह अगर आपको प्रॉफिट दिखता है तो इसको कैसे आप सेल करोगे। तो सेल करने के लिए भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर फिर से आप ऑर्डर्स में जाके अभी हमने जो ये स्टॉप लॉस लगाया था, ये स्टॉप लॉस को दोस्तों आप कैंसिल करना है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कैंसिल ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक करके इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद फिर से दोस्तों पोर्टफोलियो में जाके ये दोस्तों हमारे जो विप्रो वाला शेयर को अभी सेल करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। देन स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो इसको मार्केट प्राइस में सेल कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप चाहो तो लिमिट प्राइस भी सेट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मान लो इसको मैं लिमिट प्राइस में सेल करना चाहता हूँ, कुछ 522.30 पैसे में सेल करना चाहता हूँ, तो ये सेट कर चुका हूँ। फिर नीचे आपको रिव्यू सेल ऑर्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चार्जेस को आप देख लीजिए, देन सबमिट ऑर्डर कर दीजिए। सबमिट ऑर्डर करने का दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अभी इस प्राइस में आते ही ऑटोमेटिक सेल हो गया। बाकी इसको आप देखोगे तो कुछ 60 पैसे हमारा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो ITC वाला शेयर जिसका हमने डिलीवरी के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था, इसको कैसे आप सेल कर सकते हो। तो इसको सेल करने के लिए दोस्तों हमें कम से कम एक दिन के लिए होल्ड करना होगा, यानी भैया नेक्स्ट डे इसको हम सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए कल मैं आपको बताऊंगा ये डिलीवरी के थ्रू बाय किया गया शेयर को कैसे सेल किया जाता है। देन उसके साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ऑफ स्टॉक से मनी को विदड्रॉ कर सकते हो। 24 hours later. तो फाइनली दोस्तों नेक्स्ट डे हो चुका है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन से होल्डिंग के अंदर दोस्तों ये शेयर आ चुका है। तो अभी से होल्डिंग में दोस्तों ये शेयर आपको शो करेगा, तो इसको दोस्तों अभी हम सेल करेंगे। बट उससे पहले भाई मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ से आप मनी विदड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आओगे तो आपको अकाउंट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें दोस्तों आप ऊपर जाओगे तो ऊपर में आपको प्रोफाइल फंड्स दो सेक्शन देखने को मिलते हैं। तो फंड्स वाला सेक्शन में चले जाइए, यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल कैश कितना है वो देखने को मिल जाएगा। देन उसके साथ दोस्तों आपको अवेलेबल टू विदड्रॉ, तो विदड्रॉ बैलेंस यहाँ पे आपको शो करेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर नीचे विदड्रॉ फंड्स के ऊपर क्लिक करके इसमें दोस्तों आप वो अमाउंट डाल दीजिए जितना भी आप विदड्रॉ करना चाहते हो, फिर करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने का दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है भाई स्टैंडर्ड NEFT, देन सेकेंड है इंस्टेंट IMPS। स्टैंडर्ड NEFT के थ्रू दोस्तों आप करते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, या फिर दोस्तों कुछ घंटे का भी टाइम लग सकता है। बट भैया हम इंस्टेंट IMPS के थ्रू करेंगे तो इसमें दोस्तों इंस्टेंट यानी कुछ सेकंड या फिर कह लो 15 मिनट के अंदर आपका पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर व्यू एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। जैसे कि इट्स ए ट्रेडिंग डे होना चाहिए, देन विदड्रॉल रिक्वेस्ट आपका 10 AM से 6 PM होना चाहिए, फिर यहाँ पे दोस्तों यू आर नॉट हैविंग एनी ओपन ऑर्डर और पोजिशन, 5 लाख से नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ें आपको फॉलो करना होगा तभी जाके इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। फिर यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, इसमें दोस्तों कन्फर्म विदड्रॉल के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करना दोस्तों अभी डन कर दीजिए, देन आपका बैंक अकाउंट में दोस्तों कुछ सेकंड या फिर कह लो 15 मिनट के अंदर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इसको कैसे आप सेल करोगे। तो इसको सेल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका कोई स्टॉप लॉस वगैरह है तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए। देन फिर से दोस्तों आप पोर्टफोलियो में जाएंगे, इसके अंदर आने के बाद देख सकते हैं ये शेयर के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे दोस्तों इसका ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे दोस्तों NSE BSE वाला ऑप्शन आ जाता है, तो आप किसी को भी सेट कर सकते हो। तो इसके अंदर दोस्तों आप लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस के थ्रू इसको आप सेल कर सकते हो। तो पिछली बार मैं आपको बताया था लिमिट प्राइस से कैसे सेल किया जाता है, अब दोस्तों मैं आपको मार्केट प्राइस के थ्रू सेल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी नीचे आ जाइए, फिर रिव्यू सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करना दोस्तों आपके सामने एक क्रोम ब्राउजर देखने को मिल जाएगा, तो इसका ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने CDSL का एक पेज ओपन होगा, इसमें दोस्तों अभी आपको TPIN डालना होगा। TPIN डालोगे तभी जाके ये लॉन्ग टर्म शेयर को आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला है भाई आई हैव ए पिन, अगर दोस्तों आपके पास अभी TPIN है, आपको याद है TPIN, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर जाके डाल सकते हो।
लेकिन दोस्त आपका टी पिन आपको याद नहीं है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके दोबारा से आप टी पिन को जनरेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर दोस्त अभी आपको और एक थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है DDPI। इसमें भाई क्या है कि इसको अगर आप एक बार एक्टिवेट कर देते हो तो आपको कभी भी लॉन्ग टर्म शेयर को सेल करने का वक्त ये टी पिन मांगा नहीं जाएगा। आप ऐसे ही दोस्तों नॉर्मल जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग को सेल करते हो उसी तरीके से सेल कर सकते हो। फिलहाल हम ये फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे कि भाई अगर मान लो हमें हमारा जो टी पिन याद नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट न्यू पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर पर यह टी पिन आ जाएगा जो कि देख सकते हैं 6 डिजिट का है। तो इसको दोस्त आप याद कर लेना। अब यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू टू CDSL के ऊपर क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे दोस्तों एंटर टी पिन, इसमें आपका ये टी पिन को डाल दीजिए। टी पिन डालने का दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, इसको दोस्तों ओके करते हैं। फिर इसमें दोस्तों आपके पास एक OTP आएगा, OTP को दोस्तों यहाँ पर आप एंटर कर देना। OTP एंटर करने का दोस्तों वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए, देन देख सकते हैं दोस्तों ये वेरीफाई हो चुका है, ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड हो चुका है। अब यहाँ से दोस्तों इसको कैंसिल करना है। फिर इसमें दोस्तों आप देखोगे तो आपके सामने सबमिट ऑर्डर आ जाएगा, तो सबमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके इसको दोस्तों अभी आप सेल कर सकते हो। देख सकते हैं ये सेल कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों पोर्टफोलियो में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर होल्डिंग वाला सेक्शन के अंदर सब कुछ 0 हो चुका है। पोजिशन में जाओगे तो पोजिशन में दोस्तों ये शेयर आ जाएगा जो कि भाई यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आप इसको अगर होल्ड करते तो आपको इतना प्रॉफिट या फिर कह लो इतना लॉस होता। तो ये एक दिन तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से चलता रहेगा, फिर नेक्स्ट डे दोस्तों ये यहाँ से अपने आप गायब हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप ऑफ स्टॉक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करके स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।